हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 30 नवंबर को स्मरण करते हैं महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी को उनके जन्म दिवस पर। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह गाँव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। बाद में ये कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी। फिर भी भौतिकी के एक विख्यात प्रोफेसर फादर लाफोंट ने बोस को भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 22 वर्षीय बोस चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, मगर स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से इन्होंने डॉक्टर बनने का विचार त्याग दिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। वर्ष 1885 में ये स्वदेश लौटे तथा भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। यहाँ वह 1915 तक रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में एक तिहाई वेतन दिया जाता था। इसका जगदीश चंद्र बोस ने विरोध किया और वे बिना वेतन के 3 वर्षों तक काम करते रहे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई और उन पर काफी कर्जा हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। 4th वर्ष में जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। बोस एक अच्छे शिक्षक भी थे, जो कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। इसी दौरान जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य एवं प्रयोग प्रारंभ कर दिए। एक प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया। भविष्य में रिमोट कंट्रोल सिस्टम को इसी सिद्धांत पर बनाया गया। जगदीश चंद्र बोस अपने इस पेटेंट आविष्कार का पेटेंट हासिल नहीं कर सके। मार्कोनी ने इस खोज का पेटेंट हासिल करने के बाद 1909 में नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय जेसी बोस को नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि रॉयल सोसाइटी को यह पता नहीं था, लेकिन आंतरिक राजनीति के कारण किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण एवं अन्य कई उपकरणों का आविष्कार 19वीं सदी के अंतिम दशक ने बोस ने ही किया। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई थी। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक माध्यम से होता है, न कि केमिकल माध्यम से। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह का अनुभव कर सकते हैं इत्यादि। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे महंगे उपकरण और प्रयोगशाला के किया था, इसलिए जगदीश चंद्र बोस का एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने का सपना था। बोस इंस्टीट्यूट, जिसे बोस विज्ञान मंदिर भी कहा जाता है, इसी सोच का ही परिणाम है, जो कि विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 78 साल की उम्र में 3 नवंबर 1937 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गिरिडीह में अपनी आखिरी सांस ली। आज जगदीश चंद्र बोस हमारे बीच मौजूद जरूर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा विज्ञान में की गई महान खोजों के लिए उन्हें अक्सर याद किया जाता रहेगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।